इसीलिए सारा झंझट हो रहा है, क्योंकि पूरा उधर से हाथ पांव मारे जा रहे हैं। बीजेपी अपने षड्यंत्र में फेल हो गई। बीजेपी को लगता था कि जैसे एमपी में बड़ा गेम प्लान किया वैसे ये सक्सेस हो जाएंगे, एमपी वाला इनका प्लान यहाँ फेल हो गया। वहाँ से भी है संपत्ति कहाँ पे? मानेसर से भी आप लोगों की संपत्ति? बिल्कुल, वो तो पूरे प्रयास हर आदमी करता है अपनी कोशिश, वो लोग भी हमारे आने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकले। सचिन पायलट साहब से आप भी करीब थे, लेकिन ऐसा राजनीति में पहली बार देखने को मिला, शॉक्ड तो आप भी हो? मैं शॉक्ड इसलिए हुआ कि मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत करीबी, लेकिन मेरे से उन्होंने बात तक नहीं की, ना मुझे इस मामले में कुछ पता। मुझे भी तब पता चला जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बताया कि इस तरह से वहाँ कैंप हो गया है, आपकी नॉलेज में है। मैंने कहा साहब मेरी नॉलेज में नहीं है। अचानक फिर विधायक दल की मीटिंग हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जिस निशान पर जीत कर आया हूं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता।